सुप्रभात कक्षा दो, कैसे प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ हैं, घर पर हैं, अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, साथ ही साथ अपना गृह कार्य भी समय पर कर रहे हैं। तो कक्षा दो, आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ चार। हमारे पाठ का नाम है लिंग। क्या नाम है बच्चों हमारे पाठ का? लिंग। सभी बच्चे अपनी व्याकरण की पुस्तक खोलेंगे, पेज नंबर 35। सभी बच्चे पेज नंबर 35 निकालेंगे, शुरू करते हैं। सभी बच्चे किताब खोलेंगे, पेज नंबर 35 निकालेंगे। पाठ चार, पाठ का नाम है लिंग। तो बच्चों यहाँ पे आपकी किताब में आपको कुछ चित्र दे रखे हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्या है ये? मोर। फिर यहाँ पे देखो, एक आदमी आपको सफाई करता हुआ दिख रहा है ना, तो ये कौन है? नौकर। राजा। फिर ये क्या है बच्चों? ये बैल है। ये अध्यापक पढ़ा रहे हैं ना, यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं और अध्यापक ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। और ये शेर। क्या है बच्चों? ये जंगल का राजा शेर। तो ये सभी शब्द पुरुष जाति के हैं, ये पुल्लिंग है। तो बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मोर, मोर क्या है? पुरुष जाति का, ठीक है। फिर नौकर, वो भी पुरुष जाति का है। राजा, वो भी पुरुष है। बैल भी पुरुष जाति का है। अध्यापक भी पुरुष जाति का है। और शेर भी पुरुष जाति का है। तो ये सब क्या है? ये सब पुल्लिंग है, ठीक है। जो पुरुष जाति के होते हैं उन्हें हम, जो शब्द पुरुष जाति के होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम पुल्लिंग कहेंगे। ये देखेंगे हम, यहाँ पे देखो और चित्र दे रखे हैं आपकी किताब में। तो ये मोरनी है। फिर यहाँ पे एक औरत है जो सफाई कर रही है, तो ये कौन है? नौकरानी। और ये देखो बच्चों, यहाँ पे एक औरत है, सर पे मुकुट दिख रहा है ना, तो कौन पहनता है मुकुट? रानी पहनती है ना, तो ये कौन है? ये रानी है। तो मोरनी, नौकरानी और रानी। ऊपर हमने क्या देखा था? मोर, नौकर और राजा। यहाँ पे कौन है? मोरनी, नौकरानी और रानी। आगे पेज नंबर 36 निकालेंगे। यहाँ पे गाय, अध्यापिका और शेरनी। पीछे हमने क्या देखा था? बैल, अध्यापक और शेर। लेकिन यहाँ पे क्या है? गाय है, अध्यापिका है और शेरनी है। तो ये सभी शब्द स्त्री जाति के हैं, ठीक है। मोरनी स्त्री जाति से है, नौकरानी भी स्त्री जाति से है और रानी भी स्त्री जाति से है। फिर गाय, अध्यापिका और शेरनी, ये भी स्त्री जाति से है। तो ये सारे शब्द क्या हो गए? ये सब स्त्रीलिंग है। तो कुछ शब्द पुरुष जाति के होते हैं, जैसे घर, अखबार, पलंग, ये शब्द क्या है? ये शब्द पुरुष जाति के हैं। तथा कुछ शब्द स्त्री जाति के होते हैं, कुछ शब्द पुरुष जाति के होते हैं, जैसे घर, अखबार और पलंग। और कुछ शब्द स्त्री जाति के होते हैं, जैसे मेज, पुस्तक और चाय। तो मेज, जैसे कि मैं बोलूंगी कि, तो क्या है ये? घर, अखबार और पलंग, ये शब्द क्या है? ये पुरुष जाति के शब्द है। जैसे कि मेरा घर बड़ा है, अखबार, आज का अखबार आ गया है, और मेरा पलंग बहुत सुंदर है, या मेरा पलंग बड़ा है, मेरा पलंग मेरे बेडरूम में रखा है। तो इस तरह से अगर हम बोलेंगे तो ये हमें पता चलता है बात करने से कि ये शब्द क्या है? पुरुष जाति के शब्द है। तो मेज, पुस्तक तथा चाय, तो ये शब्द हैं, ये स्त्री जाति के शब्द हैं। जैसे कि मेज, यहाँ पे मेज रखी है, ठीक है। पुस्तक, आपके पास कितनी पुस्तकें हैं, ठीक है। आपके पास कौन सी पुस्तक है, ठीक है। हम किसी से पूछेंगे कि आपके पास कौन से विषय की पुस्तक है, कि हिंदी की है या गणित की है या अंग्रेजी की है, कौन सी पुस्तक है, तो हम क्या पूछेंगे? आपके पास कौन सी पुस्तक है, ठीक है।
फिर है चाय, तो मैंने चाय पी, तो इससे समझ में आया पी, पिया नहीं बोलेंगे, मैंने चाय पी, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी स्त्री जाति का शब्द है। तो लिंग से पता चलता है कि शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। लिंग से हमें किस बात का पता चलता है बच्चों, कि शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। तो लिंग से पता चलता है कि शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। लिंग से हमें किस बात का पता चलता है बच्चों, हमें ये पता चलता है कि शब्द जो है वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। इस बात का पता हमें किससे चलता है, लिंग से। अब सभी बच्चे पेज नंबर 37 निकालेंगे, पेज नंबर 37। तो यहाँ पे जो शब्द दे रखे हैं वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के शब्द हैं, वो हम देखेंगे। कि देखिए यहाँ पे हमें ये कुछ चित्र दे रखे हैं, राजा रानी, तो राजा पुल्लिंग है, रानी स्त्रीलिंग है, बैल गाय, बैल क्या है पुल्लिंग है और गाय क्या है स्त्रीलिंग है, शेर और शेरनी, शेर पुल्लिंग है, शेरनी स्त्रीलिंग है, फिर है नौकर नौकरानी, तो नौकर पुल्लिंग है और नौकरानी क्या है, नौकरानी स्त्रीलिंग है। तो ये इतना समझ में आ गया होगा बच्चों आपको, ठीक है। अब कुछ और नीचे हमें यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे सभी बच्चे, पिता माता, पिता का स्त्रीलिंग क्या होगा माता, तथा माता का पुल्लिंग पिता, ठीक है। देव देवी, मालिक मालकिन, अभिनेता अभिनेत्री, पुरुष स्त्री, गधा गधी, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं ये पुल्लिंग शब्द है और ये शब्द क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। अब आगे है बच्चों, श्रीमान श्रीमती, श्रीमान पुल्लिंग है, श्रीमती स्त्रीलिंग है। आपसे पूछ लिया जाए कि श्रीमान का स्त्रीलिंग बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, श्रीमती, और श्रीमती का पुल्लिंग बताइए, तो श्रीमान, ठीक है। बेटा बेटी, हिरण हिरनी, ऊंट ऊंटनी, राजा रानी, राजा का स्त्रीलिंग आपसे अगर पूछा जाए तो क्या होगा, राजा का स्त्रीलिंग रानी, और रानी का पुल्लिंग राजा, चिड़ा चिड़िया, फिर है बैल गाय, पुजारी पुजारिन, डिब्बा डिबिया, शेर शेरनी, अध्यापक अध्यापिका, वृद्ध वृद्धा, तो वृद्ध क्या है पुल्लिंग है और वृद्धा स्त्रीलिंग है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है प्यारे बच्चे। पेज नंबर 38 निकालेंगे, आगे और कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दे रखे हैं, पति पत्नी, देवर देवरानी, माली मालिन, नाग नागिन, नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी, तो ये सारे शब्द पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है। ससुर सास, बालक बालिका, गुड्डा गुड़िया, बादशाह बेगम, युवा युवती, हंस हंसनी, तो हंस पुल्लिंग है और हंसनी स्त्रीलिंग है, ठीक है। भाई बहन, नर नारी, वर का स्त्रीलिंग वधु, सेवक पुल्लिंग सेविका स्त्रीलिंग, हाथी का, हाथी क्या है पुल्लिंग है और उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, हथिनी, धोबी पुल्लिंग है धोबिन स्त्रीलिंग है,